भाभी कहाँ है? जाके देख लो पार्क वर्क में बैठी होंगी बहाने वाने बना के, क्योंकि तो कोई काम न करना तो है नहीं। रुक मैं देखता हूँ। क्या देखता हूँ? क्या हुआ? जा कहाँ रहा है? कहाँ बैठी है? तो उधर बैठी होगी पार्क वर्क में। तू इधर कहाँ से आ रहा है? मैं तो ऐसी घूम के आ रहा हूँ दिग्गी मेरे को, इसलिए मैंने बता दिया तेरे को उधर बैठी होंगी, कोई काम तो करना है नहीं, बस ऐसी पेट का बहाना वहाना ले लेके आ जाते हैं। चलो तू भी घर पहुँच। हाँ जा रहा हूँ। कैसा है? मैं ठीक हूँ यार, इतना फोन ओन मत किया करो, मैं घर पे रहती हूँ, हस्बैंड भी रहते हैं, नंद भी है और सास भी है मेरी, उनको भी ध्यान देना पड़ता है ना, बहुत बिजी रहती हूँ मैं जब से वहाँ से आई हूँ गांव से अपने। तुम चुप रहो यार, बार बार फोन मत करना ठीक है, मेरे पास टाइम रहेगा मैं खुद ही तुम्हें फोन मिलाऊंगी। क्या नहीं बात करनी? नहीं यार, हम लोग तो बहुत पुराने दोस्त हैं और हम लोग तो थोड़ा बहुत प्यार। हेलो, मैं रख रही हूँ ठीक है, हस्बैंड भी आ रहे हैं शायद, और मुझे काम है थोड़ा, नहीं तो जान जाएंगे वो क्या बातें हो रही है हमारी। कहाँ लगी पड़ी है? कहीं नहीं। यहाँ क्यों बैठी है? काम धाम तो करती नहीं है घर पे? तुम ध्यान ही नहीं रख रहे, दो तीन दिनों से पेट में दर्द हो रहा है, क्या काम करूं पता नहीं, इतनी ठंड पड़ती है, अकेले काम करती हूं मैं। जाओ तुम मेरे लिए कुछ दवाई वगैरह ला दो। चल मैं ठीक है लेकर आ रहा हूँ तेरे लिए दवाई। ठीक है। भाभी तेरी बैठी थी पार्क में, क्या बात होगी? क्या रोज रोज कुछ का ड्रामा हो गया रे। अरे वो काम उम तो करती नहीं, बहाने बहाने करके आज इतने पार्क में बैठी रहती है। रोज का ड्रामा इधर ही अचानक है। अरे नहीं तो उधर काम था ना कोई दोस्त? कौन सा? अरे कोई दोस्त बैठा हुआ था यार। रहता पढ़ाई तो करता नहीं है। अरे अभी जा तो रहा हूँ ना, कहाँ धाम में करता घर पे, क्या पता नहीं। चलो ठीक है जा रहा हूँ। रहता है हमेशा, चल जल्दी घर पहुँच। ठीक है। हेलो मोनू, कैसा है? अच्छा काम धाम कैसा चल रहा है यार? कुछ खर्चा पानी दे दो यार, काम नहीं चल रहा, हस्बैंड को भी पैसों से नहीं मिली तनख्वाह उनका, थोड़ा किराया वराया निकाल देती मैं, तनख्वाह नहीं मिली अभी। एडवांस ले लो ना कुछ दिन के लिए, एक दो दिन के लिए ले लो, जब आ जाएगा हस्बैंड का मैं वापसी कर दूंगी। यार इतने सालों से हम प्यार करते हैं आपस में और तुम पैसे नहीं दे सकते, पैसे के लिए रोने ही लगते हो जब मैं पैसे मांगती हूँ तो। हेलो, हाँ कैसे हो? मैं ठीक हूँ यार, जब से शादी हुई है इधर मन नहीं लग रहा है मेरा तुम्हारे बिना, और हस्बैंड के साथ भी रहने का दिल नहीं कर रहा है। मैं भी तुमसे तो बहुत प्यार करती हूँ, मैं क्या करूँ, मैं मिल भी नहीं पा रहे बराबर, फोन भी नहीं हो पा रहा है, इधर बहुत काम, शादी हुई है जब से, कभी सास को देखो कभी नंद को देखो, कभी चाय पानी पिलाना पड़ता है बार बार, क्या करूं मैं, बात भी नहीं हो पाती तुम्हारे से। अच्छा चलो ठीक है ना, रख रही हूँ मैं, मेरे हस्बैंड आने वाले हैं। ठीक है बाय। कहाँ बात कर रही है? कहीं नहीं, मम्मी से बात कर रही थी मैं। तेरे मम्मी का काम धाम नहीं है, हमेशा फोन ही करती रहती है, क्या तो क्या करूँ, इधर पेट दर्द कर रहा है तो मैं पार्क में अकेली बैठी थी इसलिए बात करने लगी मम्मी से ही मैं। हमेशा बात ही करती रहती है, पता नहीं कहाँ। तुम्हें दवाई लाने के लिए भेजी थी, मैं लाई दवाई, पेट ही दर्द करता है, क्या करूँ दर्द कर रहा है तो, अकेले काम करती, तुम्हारी बहने भी नहीं काम करती, साथ में मिल के काम करवा लूँ भाभी के साथ। चल ठीक है मैं दवाई लेकर आता हूँ। पहले भेजी थी तब नहीं लेके आए दवाई? लगा नहीं आता, क्या की खाई थी इससे ठीक ही नहीं हुआ, तेरा पेट ठीक हो जाता है वहाँ पे नहीं होता है, उससे आराम नहीं हुआ, जाके दोबारा लेके आओ दूसरी दुकान से। पता नहीं कैसे पेट तेरा रोज पेट ही दर्द करता है, यहाँ के आराम मिलता है तेरे को आके पता। हेलो, हाँ बोलो, मैं भेज दी अपने हस्बैंड को दवाई लाने, बात करे बिना मन भी नहीं करता, और क्या करूँ मैं, इधर टाइम ही नहीं मिलता बराबर फोन करके बात करूँ मैं, क्या बाद में ज़्यादा देर तक नहीं कर पाऊँगी, क्या करूँ मैं, घर आऊँगी मैं गाँव, जल्दी ही आऊँगी मैं, उधर मिलूँगी मैं आपसे।
और भाई टन्नू क्या हाल चाल है? अरे क्या हाल चाल है, जब से शादी किया हूँ तब से रोज साला दवाइये ले आ रहा हूँ, रोज दवाइये ले आ रहा हूँ। घर पे जाता हूँ हमेशा कहती दवाइये ले आओ दवाइये ले आओ। क्यों, ऐसा कौन सी बीमारी हो गई है? दवाई ले आओ दवाई ले आओ कहती है हमेशा। मेरा पेट दर्द है तो करता है हमेशा आके बैठ जाते घर पे पार्क में आके। अब मैं भेजता हूँ मेरा पेट दर्द करता है, रोज रोज दवाई ले आके थक गया हूँ उसको। भाई ये तेरी बात नहीं है यार, ये सब लोग परेशान रहते हैं। जब मेरी भी शादी हुई थी तो मैं भी ऐसे ही परेशान हो गया था। परेशान है तो क्या दवा दिए इसे? मैं भाई दवाई जब दे दे के जब थक गया तो ये मुझे दुखहरण मिल गया। इसी दुखहरण से वो सारा पेट का दर्द जो भी था वो ख़त्म हो गया था। तो अब मेरी सलाह मान, मैंने बड़ी डॉक्टरी किया और बहुत जो है अपने घरवाली का इलाज कराया। जब थक गया तब इस दुखहरण का इस्तेमाल किया। अब मेरी बात मान तो तू भी इस दुखहरण का इस्तेमाल कर आ जा। और तू जाएगा घर तो जरूर मोबाइल पर बतिया रही होगी, और जैसे देखना बतियाते हो बस इस दुखहरण का इस्तेमाल कर देना। और जब दो तीन बार इस्तेमाल कर देगा इसका ना, उसके बाद से सारी बीमारी खत्म हो जाएगी और तू सुखी हो जाएगा। ये ले दुखहरण भाई, आज के बाद दवा नहीं लाऊं इसी दुखहरण के सहारा। हाँ जा भाई, इसी दुखहरण का इस्तेमाल कर जा। हाँ बे कहाँ भी जिए तेरा हमेशा पेट दर्द करता है, पेट दर्द करता है। जब देखो तब चल खाओ यहाँ 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 बात करूँगी मैं, हाँ बात करूँगी मैं पार्क में। हाँ आऊंगी मैं पार्क पार्क में, चल दली अब नहीं। अब नहीं आऊंगी ना, अब सारा घर का काम करूंगी। अब बिजली का काम सब ले लो, लो फोन भी ले लो। चल दली बात चल।